Good morning everyone. How are you all? I hope you all are good. Stay safe, stay home, okay? So today we will learn subject English grammar. आज हम क्या करेंगे? English grammar पढ़ेंगे और हमारा topic क्या है? Vowels and consonants. Okay? Vowels and consonants. अब vowels कौन से होते हैं और consonants और क्या कौन से होते हैं? वो read करेंगे. There are total 26 letters in English alphabets. अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26. ए टू जेड तक हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26. लेटर्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. ये जो हमारे 5 अल्फाबेट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? आर कॉल्ड वोवल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं. किन किन को? A, E, I, O, U. इन 5 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? वोवल्स. ये क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं. लेटर्स लाइक B, C, से इस B से लेकर Z तक. इनमें E, A, I, O, U. इन 5 लेटर्स को निकाल के जो भी बाकी के लेटर्स हमारे बचते हैं 21, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है? किन किन को छोड़ के? ए, ई, आई, ओ, यू. इन 5 लेटर्स को जब हम अल्फाबेट से निकाल देते हैं तो बाकी के बचे हुए जितने भी हमारे 21 लेटर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्लियर? कौन कौन से होते हैं वो देखिए. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स क्या? ये सारे क्या लेटर्स क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स हैं. क्लियर? अब देखिए वोवल्स में हम क्या करते हैं. वोवल्स के जो हम जो भी वर्ड्स हमारा वोवल्स से स्टार्ट होता है लाइक एप्पल. ओके, अब एप्पल के आगे हम हमेशा क्या लिखते हैं? जो भी वर्ड हमारा ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से, इनसे स्टार्ट होता है, मींस फर्स्ट लेटर इनमें से जो भी आता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए, एन, एम. और बाकी के जो भी ये लेटर्स हमारे बचते हैं लाइक हमने यहाँ पे लिखा बॉक्स, तो इसके आगे हम हमेशा क्या राइट करते हैं? ए. क्लियर? वोवल्स क्या? वोवल्स जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल होता है उसके आगे हम ए, एम, एम राइट करते हैं और जो कॉन्सोनेंट जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे हम क्या राइट करते हैं? ए राइट करते हैं. क्लियर? तो आपको ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 5 और 6 सारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं. इनमें आपको पहचानना है कौन सा वोवल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है. नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से वोवल्स हैं, कौन से नेम्स हैं. इनको रीड करना है और उसके बाद अपनी ये बुक एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 7. क्लियर? आई होप आप सबको समझ आ गया हो. अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है कि आपको वोवल्स का नहीं पता चल रहा है तो पहले बुक से चेक करिए या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए. क्लियर? बाय बाय.